Hello and welcome to Dynamic Study. Today, I will discuss about UGC NET Paper 2 Political Science. और Political Science के एक बहुत important topic के बारे में आज हम discuss करने वाले हैं. तो वो topic है Public Administration के Hawthorne Experiments, जो related है Elton Mayo के साथ, मतलब Human Relations Theory का एक important part है Hawthorne Experiment. तो इसके बारे में आज हम डिटेल्स जानेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. सो जो हॉटथोन एक्सपेरिमेंट है, ये द टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी केम विद द वेल नोन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड एट हॉटथोन प्लांट ऑफ द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी नियर शिकागो इन द यूएस बिटवीन 1924 टू 1932. सो हॉटथोन एक्सपेरिमेंट क्या है? ये एक टर्निंग पॉइंट है इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस. तो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी जब डेवलप्ड हो रहा है, जब डेवलपमेंट हो रहा है इसका, सो ये थ्योरी, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी को डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये जो हॉटथोन एक्सपेरिमेंट किया गया था, कहां पर? हॉटथोन प्लांट में. एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो शिकागो में है यूनाइटेड स्टेट्स के, वहां पर ये हुआ था. 1924 से लेकर 1932 तक ये एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड हुआ. सो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी को डेवलपमेंट करने में इस एक्सपेरिमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. द हॉटथोन प्लांट हैड नियरली 29,000 एम्प्लॉइज एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड टेलीफोन्स एंड टेलीफोन इक्विपमेंट. सो ये जो हॉटथोन प्लांट है, ये यहाँ पर 29,000 एम्प्लॉइज यहाँ पर काम करते हैं, और यहाँ पर मेनली जो टेलीफोनिक इक्विपमेंट्स है, टेलीफोन बनाने के लिए जो जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो यहाँ पर बनाया जाता है. जैसे कि स्विच हो, जो वो बॉडी हो टेलीफोन के, सारे चीजें बनाई जाती हैं. द हॉटथोन स्टडीज वर फाउंडेड बाय द नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एट द बिहेस्ट ऑफ द जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन द यूएस. सो ये जो हॉटथोन स्टडीज, ये फाउंड किसके द्वारा किया गया है? वो फाउंड किया गया है नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा. सो नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये किया गया है, जो एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, जो बहुत इलेक्ट्रिक ज्यादा बल्ब यूएस में ये मैन्युफैक्चर करता है, एक इलेक्ट्रिक कंपनी है. ओके. द मेजर ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क प्लेस, लाइटिंग कंडीशंस एंड इंडिविजुअल एफिशिएंसी. सो इस हॉटथोन एक्सपेरिमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था एस्टैब्लिश करना रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क प्लेस, मतलब जो लोग वहां पर काम करे, उस वर्क प्लेस के साथ उनका क्या संबंध है, जहां पर वो काम करें वहां पर लाइटिंग कंडीशन कैसी है, और इंडिविजुअल एफिशिएंसी लेवल कैसा है, वो लोग कैसे अच्छी तरह से काम करें. सो ये टोटल चीजें वहां पर एक्सपेरिमेंट में, ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव थी. कैसा रिलेशन है, कैसा वर्क प्लेस है, इसके बारे में यहाँ पर देखा गया है. नेक्स्ट, सो द हॉटथोन एक्सपेरिमेंट्स आर कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग फोर फेजेस. सो हॉटथोन एक्सपेरिमेंट को कुछ फेजेस में डिवाइड करके इसको कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स, सेकेंड है रिले असेंबली टेस्ट रूम, थर्ड है इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, एंड फोर्थ है बैंक रिंग ऑब्जर्वेशन रूम. सो मैं एक एक करके डिटेल्स बताऊंगी. सो यहाँ पर जो कैटेगोराइजेशन है फोर फेजेस, वो यहाँ पर बताया गया है. इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम्स, इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, बैंक रिंग ऑब्जर्वेशन रूम. ओके, देखते हैं. सो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट क्या है? सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2.5 ईयर्स फ्रॉम 1924 से 27 तक, सो 2.5 ईयर्स 24 से 27 के मिड ईयर्स तक, यहाँ पर क्या हुआ? अ सीरीज ऑफ इल्यूमिनेशन लेवल स्टडीज वर कंडक्टेड. सो यहाँ पर एक इल्यूमिनेशन लेवल कंडक्ट किया गया है. ओके, बाय द इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स ऑफ द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी वर्कर्स इन इल्यूशंस. ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ? एक इल्यूमिनेशन, मतलब कि काल्पनिक रूप से, मतलब सो यहाँ पर एक काल्पनिक रूप से क्या गया, स्टडीज कंडक्ट किया गया, मतलब
वहां पर एक जो कंपनी है, हॉर्थन कंपनी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, वहां पर जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स है वहां पर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि वहां पर जो लाइटिंग लेवल है वो कैसा है, उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने 2.5 साल लिया, 24 से 27 तक. वहां पर क्या देखा, इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट द एक्सपीरियंस वर कंडक्टेड बाय द रिसर्चर्स ऑन थ्री डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, द एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड बाय द रिसर्चर्स के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया थ्री डिपार्टमेंट्स में, थ्री अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, इरिस्पेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन. तो कभी जो लाइटिंग है वो बढ़ाकर कभी घटाकर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया. एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज विटनेस्ड, द इल्यूमिनेशन लेवल डिड नॉट इम्पैक्ट द प्रोडक्टिविटी. मतलब लाइटिंग कभी बढ़ाया जा रहा है, कभी घटाया जा रहा है, इससे क्या हो रहा था कि प्रोडक्टिविटी जो है वो मतलब इंक्रीज हो रहा था, वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा था, वो हम देख पा रहे थे. सो इससे क्या हुआ, ये कभी भी प्रोडक्टिविटी को हमारा मतलब कोई इम्पैक्ट इसका नहीं था, कि ये ऐसा नहीं था कि इससे प्रोडक्टिविटी घट रही है या कोई प्रोडक्टिविटी में काटती घाटती आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा था, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी. नेक्स्ट क्या हुआ, इन अनदर स्टडी, दूसरे स्टडी में देखा गया, टू ग्रुप्स वर फॉर्म, दो अलग अलग ग्रुप किए गए, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल करेगा एक्सपेरिमेंट करेगा. द कंट्रोल ग्रुप कंटिन्यू टू वर्क विद द कॉन्स्टेंट इल्यूमिनेशन, द लेवल एंड द टाइप विथ विच द ग्रुप स्टार्टेड वर्किंग इन द डिपार्टमेंट. ये जो कंट्रोल ग्रुप है ये कंटिन्यू टू वर्क, वन मिनट, सॉरी सॉरी, कंटिन्यू टू वर्क, ये हमेशा कंटिन्यू कर रहा था, वर्क कर रहा था किस विषय में, विद द कॉन्स्टेंट इल्यूमिनेशन, मतलब लाइटिंग चेंज हो रहा है इस लेवल पर वो काम कर रहे हैं. द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स वर सब्जेक्टेड टू अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग लाइट लेवल्स, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वहां पर लाइटिंग बढ़ाई जा रही थी. बोथ द ग्रुप सोल्ड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी डिस्पाइट वेरिएशन इन इल्यूमिनेशन लेवल्स प्रोवाइड बाय द टू ग्रुप्स. एक ग्रुप को घटाया जा रहा था लाइटिंग, दूसरे ग्रुप को बढ़ाया जा रहा था, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ, उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होते रहते हैं, मतलब वो प्रोडक्टिविटी घटा नहीं है. द रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंटेड विद डिक्रीज लाइटिंग ऑन द सेम ग्रुप. सो रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंटेड, जो रिसर्चर्स का एक्सपेरिमेंटेड है विद डिक्रीज लाइटिंग इन द सेम ग्रुप, एक ही चीज किया गया उसके साथ डिक्रीज किया गया. द कंट्रोल ग्रुप रिसीव स्टेबल इल्यूमिनेशन, जो कंट्रोल ग्रुप है उसको स्टेबल मतलब लाइटिंग मिली थी. और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को क्या हुआ था, उसको स्टेबल नहीं, उसको बहुत बढ़ाया गया. वेयर एज द अदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप गॉट डिक्रीजिंग लेवल ऑफ, कुछ मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को लाइटिंग घटाया जा रहा था, ये बोथ द ग्रुप स्टेडिली इंक्रीज प्रोडक्शन, लेकिन सारे ग्रुप ने क्या किया था, प्रोडक्शन उनका बढ़ा था. बट फाइनली वेन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप गॉट वेरी लो इल्यूमिनेशन, जब बहुत लाइटिंग घट गई है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, दे प्रोटेस्टेड एंड प्रोडक्शन वॉज डिक्रीज, तब वो उन्होंने आंदोलन किया और वो प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ. वन मिनट, या सो एक ग्रुप जब बढ़ रहा था तभी प्रोडक्शन में कोई घाटी नहीं थी, लेकिन जब बहुत बिलो हो गया तब प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया. सो द इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट वर ग्रेजुअली अबेंडेंड बाय द रिसर्चर्स एंड अदर इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड वेज पेमेंट्स, लास्ट पीरियड्स ड्यूरिंग ऑफ वर्क आवर्स एंड सो ऑन वर इंटरव्यू. सो इल्यूमिनेशन जो एक्सपेरिमेंट है वो ग्रेजुअली उनको छोड़ दिया गया रिसर्चर के द्वारा, और नए टाइप शुरू हुआ, कैसे कि उनका पेमेंट, वेज पेमेंट्स कैसा है, कब उनको फीस मिली है, ड्यूरेशन कितना टाइम के लिए काम करते हैं, ये सारी चीजें अभी एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड किया गया है. दिस मेजर्स ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन. सो ये इसने क्या किया, इंक्रीज प्रोडक्शन में ये बढ़ाया गया है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है. लास्ट दिस प्रिविलेजेस वर विदड्रॉन एंड द इनिशियल कंडीशंस वर रिस्टोर्ड. लास्ट दिस प्रिविलेजेस, ये सारे प्रिविलेजेस जो थे वो हटाया गया एंड इनिशियल कंडीशंस पर रिस्टोर्ड किया गया. दिस लीड टू फॉल इन प्रोडक्शन लेवल, इससे क्या, प्रोडक्शन लेवल घट गया इनिशियली, बट लेटर इट इंक्रीज टू लेवल्स हायर देन ओरिजिनल. लेकिन बाद में ये बढ़ गया जो लेवल था, विच सरप्राइज रिसर्चर्स टीम. रिसर्चर्स टीम को मतलब इससे वो बहुत सरप्राइज हो गए.
सो नो कंक्लूसिव रिलेशंस कुड बी एस्टेब्लिश बिटवीन इल्यूमिनेशन लेवल एंड इंसेंटिव स्कीम्स एंड प्रोडक्टिविटी लेवल. सो इससे क्या हुआ, इल्यूमिनेशन लाइटिंग से या इंसेंटिव स्कीम से कोई हम एक सिद्धांत पे नहीं आ सकते. ओके, द रिसर्च टीम ऑब्जर्व दैट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कुड ऑल्सो ड्यू टू इंटरेस्ट शोन बाय द रिसर्च टीम इन द वर्कर्स और रिटेंशन ऑफ इंसेंटिव वेज प्लान. सो यहाँ पर क्या बताया, सर रिसर्च टीम ऑब्जर्व किया उन्होंने कि ये जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, सो ड्यू टू इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा था रिसर्चर्स टीम के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा, इंसेंटिव प्लान के द्वारा. सो मेयो एंड हिज टीम बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे फर्दर कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ अदर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स करने लगा. सो कि किस किस कारण के वर्ष वर्कर्स का प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे. ओके, नेक्स्ट. अब नेक्स्ट है रिले असेंबली टेस्ट रूम. So these experiments were conducted to examine the impact of other variables on productivity. यहाँ पर others जो variables है उनका कैसे experiments है इसके लिए ये काम करते हैं. Okay, the women were chosen as best subjects and they were asked to choose four other workers to join the test group. So यहाँ पर women को choose किया गया इस research के लिए और उनको कहा गया कि और चार लोगों को आप choose कीजिए इस experiment लाने के लिए. The two groups groups worked in separate rooms. So, दो groups अलग अलग room में काम कर रहे थे over a period of 5 years, 27 से 32 तक. Assembling telephone relays company में भी काम कर रहे थे. It involved putting together a number of small telephone parts. इसका जो काम था कि जो telephone के छोटे छोटे parts है उनको इकट्ठा करना. The output was measured mechanically through counting the numbers of finished relays. So, कितने कार्य कर रहे थे इसका output उसी हिसाब से किया जा रहा था. They were later moved to the experiment rooms, room and they interacted with a supervisor who discussed changes with them and at a time also put their suggestions into practice. So, यहाँ पर क्या हो रहा था, so the output was measured मैकेनिकली किया जा रहा था, तो दे लेटर मूव टू एक्सपेरिमेंट रूम, वो एक्सपेरिमेंट रूम के वहां गए और इंटरेक्टेड विद द सुपरवाइजर्स, वो सुपरवाइजर्स के साथ उनके साथ बातचीत करके देख रहे थे. द रिसर्चर्स मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स एज पेमेंट्स, ब्रेक्स, रिफ्रेशमेंट्स एंड शॉर्टनिंग ऑफ वर्क, ड्यूरेशन ऑफ द वर्क, ग्रुप इंडिविजुअल, ये सारे चीजों उन वो लोग मेजर कर रहे थे कि कैसा गैप है, उनको ब्रेक कैसे मिलते हैं, रिफ्रेशमेंट क्या, शॉर्ट मतलब क्या क्या काम का ड्यूरेशन है, ये सारे चीजों के बारे में देख. इन जनरल इट वाज ऑब्जर्व दैट चेंजिंग अ वेरिएबल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जब वेरिएबल चेंज हो रहा है सो प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है. दे केम टू कंक्लूशन दैट देयर वर सर्टेन सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इम्पैक्टिंग द प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर वो लोग कुछ कंक्लूशन में आए और देख पा रहे कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कुछ कारण है, क्या क्या है वो. These include extra attention given to the worker. यहाँ पर क्या किया गया था, workers को अलग करके experiment किया जाता, so इसके वजह से वो लोग extra attention मिल रहे थे, वो लोग अच्छी तरह से काम कर रहे थे. Okay? और क्या है, having a sympathetic supervisor and the apparent interest shown towards them by the management. So यहाँ पर supervisor उनके साथ sympathetically बात कर रहे थे इसीलिए. नेक्स्ट, दीज वर द मेन reasons, क्योंकि उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा था इसीलिए वो हायर प्रोडक्टिविटी हो रहा था. ओके, द सिक्स इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूटेड अ टीम एंड द टीम पार्टिसिपेशन इन द एक्सपेरिमेंट वॉज होल हार्टेड एज दे वर वर्किंग विदाउट क्वेश्चन फ्रॉम द अबव और लिमिटेशन फ्रॉम द बिलो, उनको कोई लिमिटेशन नहीं थी, कोई बलपूर्वक की नहीं किया जा रहा था इसीलिए वो लोग अच्छी तरह से काम कर रहे थे. In fact, regular medical checkups indicated no signs of cumulative figure and labor turnover declined by 80%. So, यहाँ पर regular medical checkups हो रहा था. So, यहाँ पर कोई fatigue या labor turnover ये 80% घट गया बल्कि इनसे. Okay, another significant observation was the innovativeness exhibited by each girl in putting that company parts of telephone relays together. So, यहाँ पर another significant observation innovativeness जो हर girl कर रही थी यहाँ पर जुड़ने के लिए. Okay, the experiment with varied techniques to deal with work related monotony यहाँ पर देखा गया.
द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डेवलप्ड अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द डिसिप्लिन केम फ्रॉम विद इन द ग्रुप इटसेल्फ, वो ये ग्रुप से आ रहा था. सो द आउटकम रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इज रेफर्ड टू एज हॉटथोन एक्सपेरिमेंट. जो ये आउटकम आ रहा था इसको हम हॉटथोन एक्सपेरिमेंट कह रहे थे. इट एस्टेब्लिश्ड अ लिंक बिटवीन सुपरविजन मॉरल एंड प्रोडक्टिविटी. ये सुपरविजन मॉरल एंड प्रोडक्टिविटी के बीच एक लिंक क्रिएट कर रहा था. The researchers hypothesized that choosing one's co-workers working as a group, मतलब आप अगर आपका दोस्त को ले रहे थे working अपने group में, being treated as special and having sympathetic supervisor were actual reason for increase of the productivity. आप अगर दोस्त को लेकर काम करेंगे तो आपको साथ आपको मन लगेगा काम में, उसके साथ साथ आपका जो supervisor है वो आपके साथ अच्छी तरह से बात करेगा तो आपको काम करने में इच्छा होगी. Okay, it was interpreted that the six individual became a team and the team gave itself completely cooperated in the experiment. तो वो टीम एक साथ काम कर रहा था और कोऑपरेट कर रहे थे. ओके, इसी वजह से. नेक्स्ट, इंटरव्यूइंग प्रोग्राम. अभी इंटरव्यूइंग प्रोग्राम जो थर्ड पार्ट है वो हुआ था 1928 से 31 तक. ओके, इंटरव्यूइंग वॉज अनदर सिग्निफिकेंट फेज. ये एक अलग फेज है एक्सपेरिमेंट का. This was done with the basic objective of studying the human attitudes and sentiments and their relationship to the productivity. Productivity में उनका क्या relationship है, productivity क्या है, इसके बारे में. The illumination experiment and relay assembly test room studies brought to fore the form of supervision as a contributory factor to the workers' level of production. So assembly test room studies यहाँ पर दिखाता है सुपरवाइजर एज अ कंट्रीब्यूटिंग. यहाँ पर सुपरवाइजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर से वर्कर्स के प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए. इन ऑर्डर टू गॉज वर्कर्स फीलिंग्स टूअर्ड जनरल वर्किंग कंडीशन इंटरव्यूड इनिशियली द वर्कर्स वर आस्क्ड अ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस. वहां पर वर्कर्स को कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा रहे थे. दिस मेथड डिड नॉट यील्ड रिजल्ट. ये अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोवाइड किया कर सका. As the workers' responses to the question were vague, subjective, and to the some extent to the irrelevant questions पूछे जा रहे थे. So it was perceived that the workers intended to discuss issues other than mere supervision related questions को वो नहीं मतलब वो चाहते थे supervision related उनके questions पूछे. Hence the style of interviewing was modified and non-directive and open-ended form or with no set of questions and workers are given freedom to discuss. Freedom दिया गया उनको. Okay, the approach of the interviewers was quite friendly and sympathetic. ये friendly था, sympathetic था. It was also impartial and non-judgmental भी था. Okay. Next जो interview था part था और experiments का वो था bank ring observation room. इट वॉज लास्ट स्टडी. ये लास्ट स्टडी था जो एल्टन मेयो और उनके टीम के द्वारा किया गया था इन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में. यहाँ पर क्या किया गया था, टू ऑब्जर्व अ ग्रुप ऑफ 14 पीपल. 14 लोगों के ग्रुप को ऑब्जर्व किया गया था परफॉर्मिंग अ टास्क इन बैंक रिंग रूम. ओके, इट वॉज ऑब्जर्व दैट दे फॉर्म देयर ओन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद सब ग्रुप ऑफ क्लिक्स एंड विथ नेचुरल लीडर्स इमर्जिंग विद द कॉन्स्टेंट ऑफ द मेंबर्स. ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, 14 लोगों को लेकर ये ग्रुप किया गया. यहाँ पर देखा गया एक इनफॉर्मल ग्रुप सब ग्रुप बनाकर यहाँ पर काम किया गया था. इन दिस एक्सपेरिमेंट वेजेस वेर पेड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप इंसेंटिव प्लान. यहाँ पर जो वेजेस दिए गए थे पेड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप इंसेंटिव प्लान के बेसिस. And each member got his or her share on the basis of the total output of the group. यहाँ पर एक मतलब each member got his or her share on the basis of the total output group के हिसाब से. Despite a financial incentive scheme where the workers would be receiving more money with more work produced. Okay, so यहाँ पर financial incentive scheme में क्या दिखा गया, वर्कर्स वुड रिसीव मोर मनी. उनको मोर मनी मिल रहा था प्रोडक्शन ज्यादा करने से. सो दे डिसाइडेड ऑन ए लेवल ऑफ आउटपुट विल बिलो द लेवल वे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग. सो एक लेवल पर तक काम करके वो छोड़ रहे थे. सो दिस रिजल्ट इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. इससे क्या रिजल्ट आया, द आउटपुट वॉज रिस्ट्रिक्टेड. सो आउटपुट जो रिस्ट्रिक्टेड था, द ग्रुप हैड अ स्टैंडर्ड फॉर आउटपुट विच वॉज रिस्पेक्टेड बाई द इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप. द मतलब यहाँ पर जो ग्रुप है वो रिस्पेक्टेड मतलब इतना ही काम कर रहा था. द ग्रुप वॉज इनडिफरेंट टू द एम्प्लॉयज फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम. ये जो ग्रुप है एम्प्लॉयर का फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम से डिफरेंट है. द ग्रुप हैड डेवलप्ड अ बिहेवियरल कोड ऑफ इट्स ओन बेस्ड ऑन सॉलिडिटरी इन ऑपोजिशन टू द मैनेजमेंट. ओके, मैनेजमेंट के ऑपोजिट था.
नेक्स्ट द आउटपोस्ट वर डिटरमाइंड बाय द इनफॉर्मल सोशल ग्रुप्स अदर बाय द मैनेजमेंट. ये इनफॉर्मल सोशल ग्रुप्स के द्वारा डिटरमाइंड किया गया था, मैनेजमेंट के द्वारा नहीं. ओके अब देखते हैं. इन 1927 एल्टन मेयो वाज इनवाइटेड टू द हॉटथॉर्न प्लान टू एग्जामिन द प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय द रिसर्च टीम. सो एल्टन मेयो को बुलाया गया और रिसर्च टीम ने एग्जामिन किया कि क्या प्रॉब्लम है. मेयो एंड रथलेसबर्गर एनालाइज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने रिजल्ट को एक्सपेरिमेंट्स को देखा. क्या देखा? चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द ग्रुप. मेंटल एटीट्यूड ऑफ द ग्रुप का चेंज कैसा हो रहा है? द फीलिंग ऑफ बींग सोशल यूनिट का जो फीलिंग है एक्सपीरियंस्ड बाय गर्ल्स इन द टेस्ट रूम. उनका सोशल यूनिट के तौर पर गर्ल्स कैसे काम करे. एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन कैसा है प्रोजेक्ट में वर्कर्स का इस विषय में. सो द इंटरव्यू प्रोग्राम फोकस्ड ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट. कुछ एस्पेक्ट के ऊपर फोकस किया गया. फर्स्ट है वर्कर्स बींग एट अ पार विथ मैनेजमेंट. वर्कर्स को मैनेजमेंट के साथ मतलब जुड़कर काम करना होगा. सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन एटीट्यूड, मतलब ह्यूमन एटीट्यूड को यहाँ पर फोकस किया गया सिग्निफिकेंटली. चेंज इन एटीट्यूड ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के एटीट्यूड को चेंज करना. पर्टिनियंस ऑफ इनफॉर्मल सोशल फोर्सेस ऑफ द वर्क प्लेस. ओके सो इनफॉर्मल सोशल फोर्सेस को वर्क प्लेस में फोकस करना. नेक्स्ट द बैंक रिंग ऑब्जर्वेशन रूम मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. सो बैंक रिंग ऑब्जर्वेशन से कुछ ऑब्जर्वेशन आई है. फर्स्ट है द ग्रुप हैव अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर आउटपुट. वो लोग सेट कर रहे थे इतना ही हम आउटपुट देंगे. नेक्स्ट इट वॉज इनडिफरेंट टू एम्प्लॉयर्स फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम. सो ये एम्प्लॉयर्स के फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम से अलग है. इट फॉलोड अ डिस्टिंक्ट बिहेवियर कोड. वो अलग डिफरेंट बिहेवियर कोड यूज कर रहे थे. इट वॉज इन्फ्लुएंस बाय द इनफॉर्मल सोशल ग्रुप्स दैट डिटरमाइन द स्टैंडर्ड्स एंड बिहेवियर कोड. ये एक इनफॉर्मल सोशल ग्रुप्स के द्वारा डिटरमाइन किया जा रहा था कि स्टैंडर्ड कैसा होगा, बिहेवियर कोड कैसा होगा. ओके नेक्स्ट सो मेयो इससे कुछ कंक्लूशन में आए. फर्स्ट जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज एज वर्कर्स वर गिवन मोर फ्रीडम टू डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ द वर्किंग एनवायरमेंट एंड टू सेट देयर ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ आउटपुट. तो जॉब सेटिस्फेक्शन तभी आएगी जब लोगों को, जो लोग वर्क कंपनी में काम करें उनको हम फ्रीडम देंगे कि आप अपने हिसाब से चूज कीजिए, काम कीजिए ऑफ देयर वर्किंग एनवायरमेंट एंड वो अपना स्टैंडर्ड खुद डिसाइड करेंगे, तभी उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी. नेक्स्ट इंटेंसिफाइड इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन क्रिएटेड हाई लेवल ऑफ ग्रुप कोहेशन. सो इंटेंसिफाइड इंटरेक्शन, सो यहाँ पर इंटेंसिफाइड इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन हो रहा है हाई लेवल ग्रुप कोहेशन में. नेक्स्ट जॉब सेटिस्फेक्शन एंड आउटपुट डिपेंड मोर ऑन कोऑपरेशन एंड फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ देन अ फिजिकल वर्किंग कंडीशन. सो जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है मोर ऑन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन के ऊपर एंड अ फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ देन फिजिकल वर्किंग कंडीशन से ज्यादा. ओके द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ हॉटथॉर्न एक्सपेरिमेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है हॉटथॉर्न एक्सपेरिमेंट का वो क्या है? वॉज दैट द वर्कर्स फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग नीड टू कोऑपरेट एंड कम्युनिकेट विद फेलो वर्कर्स. वो एक दूसरे के साथ, अपने फेलो वर्कर के साथ बात करना चाहते हैं. द बेसिक टेनेट्स ऑफ द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इमिनेटिंग फ्रॉम एल्टन मेयो एक्सपेरिमेंट्स आर फॉलोज. क्या आया है इस रिलेशन के एक्सपेरिमेंट से? So individual workers cannot be treated in isolation because they are social being. वो एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं, उनको isolation में हम नहीं सोच सकते हैं. Next, informal groups formed at work have a strong influence on the behavior of the workers. वो उनके behavior strong influence है behavior में. Next, productivity to a large extent was influenced by the social and psychological factors के द्वारा depend करता है कि कितना productivity होगा. Next, conditions within the organization exercise strong social control over the work habit and attitude. So conditions within the organization जो है वो social control को, work habit, attitude को मतलब वो depend मतलब exercise करता है, control करता है. Managers must aware of the social needs. Managers को aware होना चाहिए कि वो सामाजिक रूप से जो कर्मचारी है उनको क्या चाहिए. Catered them to ensure employees collaborative with the official organization rather than work against it. उनके खिलाफ ना काम करके उनके साथ एकजुट होकर काम करना चाहिए जिससे कि वो लोग cooperatively काम कर सके. So this is the whole lecture on Hawthorne experiment. The human relations के theory के जो basis है उसके बारे में मैंने total discuss कर दिया कि कैसे human relations theory को आगे ले गया है Hawthorne experiment. So ये एक बहुत important topic है. I hope you will understand this lecture. So thank you. Keep on watching and keep on learning.